गुड गुड आफ्टरनून सर। सर आफ्टरनून मा। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून दर्शन। ओके, सबको स्क्रीन दिख रहे? हाँ सर, दिखाई दे रहे। यस सर। ओके, ओके, सभी लोग आ गए हैं ना? और कुछ तीन आदमी आना है। ओके, 2-3 मिनट्स वेट करेंगे। दिखाई नहीं दे रहे। ओके, सो हम लोग चालू करेंगे। कल हम लोग डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द फिल्म। ओके, इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ द लेड स्क्रीन, जो सर फिल्म मेरी को लेकर। वॉइस इन पर टेस्ट। ओ, 1 मिनट। वॉइस विनपिचेट लेगा। ओके सर आफ्टर इन पर सर इन पर। ओके, क्लियर वॉइस? क्लियर? हाँ सर, बस क्लियर आ रहे। ओके नमा। ओके राइट। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ द फिल्म होने के बाद हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन ऑफ द लेड स्क्रीन। ये जो लेड स्क्रीन है, हम लोग एक्सपोजर, रेडियोग्राफी एक्सपोजर करने के टाइम पे फिल्म हम लोग ऐसा ही हम लोग ओपन डाल के हम लोग रेडियोग्राफी नहीं कर सकते, राइट? जनरली हम लोग कैमरा यूज करेंगे तो हम लोग क्या करता है,
जो रील इसको कैमरा का अंदर डालता है, जो फिल्म को, ऐसा ही है यहाँ पे फिल्म को प्रोटेक्ट करने के लिए और रेडिएशन को ऑब्जर्व करके एक एरिया में रिकॉर्ड करके निकालने के लिए एक लेड स्क्रीन रहता है। वो लेड स्क्रीन भी फिल्म जितना साइज है उतना साइज रहता है। ओके, सो लेड स्क्रीन का बीच में फिल्म रहता है, ये लेड स्क्रीन और बीच में जो फिल्म, ये दोनों मिलके हम लोग को कैसेट में डालता है। ये पूरा मिला के हम लोग इसको फिल्म बोलते हैं। जो इंडस्ट्री में हम लोग जो टेक्नीशियन सीनियर को एग्जांपल बोलता है कि ओके तुम जाके फिल्म लेके आ जाओ बोलता है, फिल्म का मतलब है खाली ये कि एक फिल्म नहीं है। ओके, उसको पूरा जो सेट को बोलता है फिल्म जनरली। ओके, फिल्म लेड स्क्रीन का बीच में रहता है, लेड स्क्रीन और फिल्म बीच में मिलके हम लोग का स्क्रीन में रहता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लेड स्क्रीन एग्जाम्पल, सपोज एग्जाम्पल लेड स्क्रीन हम लोग साइड व्यू में देख रहा था, साइड व्यू, जस्ट अ मिनट। सपोज आपको एग्जाम्पल फिल्म आपको ऐसा रहता है, फिल्म आप लोग का साइड व्यू में देख रहे हैं, मतलब आपको जैसे दिख रहे हैं कि वो एक लाइन जैसा दिख रहे हैं। एग्जाम्पल ये लेड स्क्रीन है, ऊपर आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सरे और गामा रे बोल रहे दिखा, एक्सरे और गामा रे बोल के दिखा रहे। इसका मतलब क्या है, ये जो लेड स्क्रीन है आप एक्सरे में भी यूज कर सकते हैं और गामा रे भी यूज कर सकता है। ओके, सो एक्सरे, एक्सरे जो यहाँ पे जो रेडिएशन दिखा रहे, एक्सरे गामा रे जो भी रेडिएशन है, यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोग को क्या है, कार्डबोर्ड, ऊपर का जो कार्डबोर्ड आपको दिख रहा है, नीचे भी कार्डबोर्ड दिख रहे हैं। ओके, ये सब कार्टून का है, कार्टून मतलब एक पेपर बोर्ड है, नीचे भी कार्टून बोर्ड है, दोनों साइड, मतलब ये दो लेड स्क्रीन है, ऊपर एक लेड स्क्रीन है, नीचे एक लेड स्क्रीन है। सो दोनों को लेड स्क्रीन का एक्सटर्नल बॉडी क्या है, कार्डबोर्ड, और इसके अंदर साल्ट, मतलब यहाँ पे दूसरा स्क्रीन है, यहाँ पे आपको लेड स्क्रीन। ओके, यहाँ पे आपको लेड स्क्रीन रहता है, इसका लेयर देखिए, वो कार्डबोर्ड से इसका लेयर बहुत कम थिकनेस है, आप देखा है ना, इसका कम थिकनेस है, ये भी कम थिकनेस है, दोनों साइड में साल्ट स्क्रीन को बोल के यहाँ पे दिख रहा है। एक्चुअली दूसरा स्क्रीन था, हम लोग आपको लेड स्क्रीन के एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल इमेज दिखा रहे हैं, ये लेड स्क्रीन, लेड स्क्रीन का लेयर कितना देखिए कार्डबोर्ड से कंपेरिजन करेगा तो ये बहुत कम थिकनेस था। सर ये कम थिकनेस बोलेगा तो ये थिकनेस कम कितना रहेगा सर, तब हम लोग डिस्कस किया कि लेड स्क्रीन का थिकनेस है 0.1 mm, ये इंपॉर्टेंट बिट है, आप नोट कर सकता है। ओके, 0.1 mm लेड स्क्रीन का थिकनेस है, ये दोनों लेयर का बीच में है आपको फिल्म, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिल्म, इसका बीच में फिल्म रहता है। यहाँ पे देखिए एकदम कॉर्नर में फिल्म अंदर था, लेड स्क्रीन का अंदर फिल्म है। अगर सपोज जितना आप फिल्म साइज है उतना ही लेड स्क्रीन का थिकनेस होना चाहिए, ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम होना नहीं चाहिए। कम हो तो क्या होता है, अगर लेड स्क्रीन का थिकनेस कम मतलब विड्थ में बोल रहा हूँ, अगर सपोज फिल्म बाहर आ चुका है, लेड स्क्रीन से बाहर आ चुका है, तो ये जो एरिया जो फिल्म जो बाहर आ गया वो फिल्म आपको एक्सपोजर नहीं होता है, वहां पर रेडिएशन पकड़ने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, तो इसी का वजह से हम लोग एक्सपोजर टाइम एग्जांपल 5 मिनट्स देगा, वहां से पकड़ने के लिए ज्यादा टाइम लेगा, तुम 5 मिनट का अंदर निकालेगा तो वहां पे एक्सपोजर नहीं होता है, तो वहां पे और लेड स्क्रीन नहीं रहता है, तो वो एरिया आप लोग के लिए फिल्म में दोनों साइड फिल्म ज्यादा हो गए तो दोनों साइड आपको ब्लैक कलर जैसा आता है फिल्म में। ओके, अगर एक साइड में ज्यादा हो गया तो एक साइड में ज्यादा ब्लैक आ जाता है, अगर आप बराबर साइज में रखेगा तो बिल्कुल ब्लैक नहीं आएगा। सर ब्लैक आने से कुछ प्रॉब्लम है क्या, उसका वजह से कुछ कौन सा इफेक्ट होने के लिए चांसेस है, ब्लैक आने से प्रॉब्लम है, अगर ब्लैक आने से प्रॉब्लम क्या है, फिल्म जो है रिजेक्ट होने के लिए चांसेस रहता है, वो क्लाइंट का तरफ से भी हो सकता है, वो क्वालिटी डिपार्टमेंट का तरफ से भी हो सकता है, फिल्म रिजेक्ट होने के लिए चांस रहता है। ओके, और इसीलिए जनरली हम लोग का फिल्म कैसा रहता है, एकदम ढीला रहता है, जो एक्चुअली कुछ आदमी लोग क्या होता है 2 इंच का बिलो रेडियोग्राफी का काम करेगा तो एक्सटर्नल कवर एक रहता है, इंटरनल कवर एक रहता है, दो कवर रहता है, ये दो कवर में एक्सटर्नल कवर थोड़ा ज्यादा रहता है, बड़ा रहता है, छोटा छोटा कवर थोड़ा
इससे छोटा रहता है इंटरनल कवर, तो ऑटोमेटिक ये दोनों लूज तो होता ही है। ओके लूज हो गया तो उसका अंदर जो मटेरियल है मतलब लेड स्क्रीन और फिल्म भी ढीला रहता है, तो इसीलिए हम लोग यूज करने का टाइम पे फिल्म जिसका इधर भी लूज रहता है इधर भी लूज रहता है दोनों साइड में, तो इसीलिए हम लोग फिल्म को ऐसे एक साइड में सटा के, एक साइड में सटाएगा तो जो लूज है नीचे का लूज ऊपर आ जाता है, ऊपर का लूज है जो पूरा लूज एक साइड में आ जाता है। जितना हम लोग लूज सपोज इतना एरिया हम लोग का लूज आ चुका है जो एक्चुअली फिल्म ये था, फिल्म एक्चुअली ये था, ये फिल्म हम लोग कंसिडर करके वेल्ड को एकदम सेंटर में रखना चाहिए। जितना जो बचा है लूज एरिया को निकाल के जो एरिया वेल्ड को सेंटर करके हम लोग रेडियोग्राफी करना चाहिए। ओके मैम क्लियर? ओके सो नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड में कुछ डाउट नहीं है ना आपका? ओके सो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड है ना, फिल्म्स। रेडियोग्राफी में फिल्म्स को एक ज्यादा स्पेशल इम्पोर्टेंस था, क्योंकि रेडियोग्राफी जो भी हम लोग यूज करता है उसमें बहुत सेंसिटिव मटेरियल हाई बोलेगा तो वो फिल्म है। ओके ये जो फिल्म है हम लोग उसको कंपलसरी यूज करना है, फिल्म बॉक्स ओपन करना है, फिल्म को यूज करना है तो कंपलसरी वो डार्क रूम में ही करना ही है, कभी भी हम लोग बाहर इसको फिल्म को निकालना नहीं चाहिए। ओके निकालना नहीं चाहिए, अगर आप लोग खोलने के लिए कोशिश करेगा तो बाहर का जो भी लाइटिंग रहता है वो लाइटिंग का वजह से फिल्म पूरा एक्सपोज हो जाता है, एक्सपोज एक्सपोज हो गया तो मतलब ये एक्सपोज बिना रीजन एक्सपोज हो रहे हैं, बिना रीजन, बिना रीजन मतलब क्या है, हम लोग एक्चुअली एक्सपोज करते हैं कि वेल्डिंग का टाइम पे एक्सपोजर करता ही है, रेडिएशन देता ही है, हम लोग ये जान बुझ के दे रहे, हम लोग खुद एक्सपोज हो रहे हैं। साइड में अनम्यूट कीजिए, मुझे आवाज आना नहीं, आपका तरफ से आवाज आ गया तो दूसरे आदमी लोग को डिस्टर्ब होता ही है। राजेश वीडियो ऑन करो। ओके मेरा लाइट ही नहीं है सर। ओके सो आपका तरफ से सॉरी, और जो रेडिएशन है हम लोग खुद रेडिएशन दे रहे हैं, खुद रेडिएशन देगा तो हम लोग जो रेडिएशन है खुद रेडिएशन हम लोग दे रहे हैं कि हम लोग रेडिएशन को फिल्म को एक्सपोज कर रहे हैं, ये रीजन है। अगर बिना रीजन का मतलब क्या होता है, हम लोग बिना रीजन ट्रांसपोर्टेशन, एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन ले लो, वो ट्रांसपोर्टेशन में ये जो फिल्म का जो जितना जो फिल्म का साइजेस है यहाँ पे, ये फिल्म बॉक्स का जो कार्टून बॉक्स टूट भी सकता है, ओके टूट भी सकता है, खराब हो सकता है, ये कॉर्नर डैमेज हो सकता है, अगर ट्रांसपोर्टेशन में पैकेट को खींचता है और जंपिंग करते जंप थ्रो करते कुछ भी करता है ना, लेकिन जो प्रोडक्शन जो करता ही है वो मैन्युफैक्चर वाला, वो ने फिल्म बॉक्स को बहुत सिक्योर करके ये बॉक्स बना जाता है। ऐसा नहीं है कि फिल्म को ऐसा ही एक्सपोज हो अनएक्सपोज हो जा होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए बोल के। ये जो फिल्म को आप लोग यहाँ पे देखिए, एक एक लाइन जैसा दिख रहा है ना आपका सबको, एक लाइन जैसा दिख रहा है ना, हाँ सर, हर बॉक्स को, ये फिल्म बॉक्स आपको डिफरेंट डिफरेंट साइजेस फिल्म बॉक्स है। ओके ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस फिल्म बॉक्स है, ये फिल्म बॉक्स क्यों, आप फिल्म बॉक्स का स्टोरेज देखिए कैसा बताया, कैसा रखा है, एक स्टैंडिंग पोजीशन, ओके एक स्टैंडिंग पोजीशन में रखा है। ओके ये फिल्म बॉक्स देखा ना आप लोग का, फिल्म बॉक्स एक स्टैंडिंग पोजीशन, आप कभी भी कोई भी आपको, हम लोग बुक्स घर में कैसा रखता है, एक लाइब्रेरी में बुक्स कैसा रहता है, एक स्टैंडिंग पोजीशन, एक बुक रखा है उसका साथ में और एक बुक, उसका साथ में और एक बुक,
बुक्स को क्यों हम लोग एक बुक का पास एक बुक का पास एक बुक एक साइड में रखता है, एक्चुअली जो बुक में बुक हम लोग ऐसा रखेगा तो ये जो बुक्स का लोड का वजह से बुक्स ज्यादा प्रेसिंग होता है अंदर का, जो बुक्स में पेपर्स जो प्रेसिंग होता ही है। ओके, आप कभी भी नया बुक ओपन करके नया बुक खरीद करके आप देखिए एक एक पेपर कैसा है, नया नया पेपर, उसका प्रेसिंग का वजह से एक एक पेपर को हम लोग ऐसा निकालता ही है, उसका कभी कभी प्रेसिंग हो जाता है। ओके, बराबर। इसीलिए फिल्म्स को आप लोग एक एक बॉक्स में एक एक बॉक्स ऐसा नहीं रखना चाहिए, उसका जो फिल्म्स भी उसका अंदर फिल्म्स ऐसा एक एक फिल्म स्ट्रेस हो सकता है, प्रेस होके हम लोग को फिल्म को एक एक फिल्म को एक एक फिल्म को प्रेस होके वो टच हो सकता है। आप फिल्म खींचने का टाइम पे निकालने के टाइम पे एक एक फिल्म को एक एक कॉर्नर में, सपोज ये फिल्म है अगर दूसरा फिल्म हम लोग लेना चाहिए तो ऐसा हम लोग खींचेगा तो ये फिल्म का कॉर्नर इसमें आ सकता है लाइन। जनरली हम लोग फिल्म बॉक्स में कैसा रहता है, ये जनरली 50 शीट्स रहता है। ओके, 50 शीट्स आप लोग का बॉक्स में ऐसा ही नहीं रहता है, एक शीट दो शीट तीन शीट ऐसा नहीं रहता है, एक शीट दो शीट तीन, एक एक शीट का एक सर ऐसा एक फिल्म फिल्म का बीच में पेपर रहेगा ना, ऐसा एक पेपर रहता है, ये पेपर का बीच में हम लोग का फिल्म रहता है, टाओ पेपर बोलते हैं ना हम लोग। तो बड़ा बड़ा बुक्स में लॉन्ग साइज बुक्स में मिडिल पेपर मिडिल साइज मिडिल एरिया को बोलता है टाओ पेपर। ओके, ये दो न्यूज़पेपर जैसे दो टाओ पेपर रहता है, इसका इसका बीच में फिल्म रहता है। ये जो पेपर आप लोग को येल्लो कलर में रहता है इसी को बोलते हैं हम लोग रैपर्स बोलते हैं, रैपर्स। ओके मां, सो ये फिल्म बॉक्स ये रैपर्स 50 शीट्स रहता है ऐसा, एक एक फिल्म दूसरा फिल्म को टच ऐसा स्टैंडिंग पोजिशन में टच होगा तो भी स्ट्रेस नहीं होता है, फिल्म टू फिल्म टचिंग नहीं होता है, फिल्म का बीच में पेपर रहता है, क्लियर। और ये पूरा फिल्म्स है 50 फिल्म्स है आपको फिल्म बॉक्स में कैसा रहता है, उसका अंदर एक ब्लैक कलर कवर, ये जो ब्लैक कलर कवर में रहता है वो ब्लैक कलर कवर सील करके रखता ही है, वो एकदम वो जो कलर ब्लैक है प्योर ब्लैक कलर, ये कवर भी बहुत थिकनेस रहता है वो कलर। क्यों ब्लैक कलर में रहता है ये, अगर ट्रांसपोर्टेशन में और कुछ गलती से कोई भी ओपन करेगा तो भी तुरंत बंद कर सकता है, तो भी इतना गैप में लाइटिंग जाएगा तो फिल्म्स खराब होना नहीं चाहिए, रोशनी मतलब लाइटिंग जल्दी उसको फिल्म का अंदर घुसना नहीं चाहिए बोल के ब्लैक कलर में हम लोग रखता है। ब्लैक कलर लाइटिंग को रिफ्लेक्ट करता है ना। ओके, हम लोग धूप काल में ओके समर टाइम में हम लोग ब्लैक कलर शर्ट पहन के जाओ कैसा होता है, पूरा अंदर पसीना आ जाता है क्योंकि हवा नहीं जाता है रोशनी नहीं जाता है, उसका वजह से उसको रोशनी को रिफ्लेक्ट करता ही है ब्लैक कलर, इसीलिए ब्लैक कलर हम लोग का अंदर रहता ही है, वो ब्लैक कलर में 50 फिल्म रहता ही है। ओके, अंदर इनसाइड फिल्म्स को ऐसा वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करके रहता है। ओके, सो ऐसा फिल्म बॉक्स हम लोग को आता ही है, डार्क रूम में फिल्म बॉक्स को हम लोग ऐसा स्टोर करना चाहिए। ओके ओके सर, यहाँ पे देखिए जो फिल्म बॉक्स हमारे पास आता ही है वो फिल्म बॉक्स हम लोग कैसे यूज करना है वही हमारा जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, आप लोग को मैं फिल्म अंदर कैसा रहता है अंदर कौन फिल्म बॉक्स का कैसा स्टोर करना वो भी हम लोग सीख लिया। अभी फिल्म बॉक्स हमारे पास आया डार्क रूम में रखा ऐसा डार्क रूम में जो स्टैंडिंग पोजिशन में है तो ये फिल्म स्टैंडिंग पोजिशन बोल के मैं बोल रहा हूँ ना, एक्चुअली ये सही वर्ड नहीं है, उसका सही वर्ड क्या है आपको कोई भी इंटरव्यू में जाएगा तो बीआरसी एग्जामिनेशन में जाएगा तो इसके लिए आपको बीआरसी एग्जामिनेशन के बाद भी आपको वाइवा बोल के एक टेस्ट रहता ही है, उसी में भी आपको बोलता है कि फिल्म आप लोग कैसा स्टोर करेगा, इसके लिए आपको एक आंसर है एडज टू कॉर्नर बोलते हैं, एडज टू कॉर्नर, ये तो कॉर्नर है। ओके, ये कॉर्नर है, ये एज है, एज टू कॉर्नर हाउ यू स्टोर बोलेगा तो एज टू कॉर्नर आपके लिए एक स्पेशल, हम लोग बीआरसी लेवल वन एग्जाम का टाइम पे हम लोग को ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा है और वाइवा में भी पूछा है। देखिए ये सेफ्टी रीजन है फिल्म का बारे में,
कभी भी आप लोग गलती से भी फिल्म बॉक्स को ऐसा नहीं रखना चाहिए, फिल्म बॉक्स ऐसा नहीं रखना चाहिए, फिल्म बॉक्स को ये फिल्म बॉक्स और एक नहीं रखना चाहिए। और इसका वजह से हम लोग को क्या समझ गया, फिल्म बॉक्स ऐसा नहीं रखना चाहिए। देखिए मैं दिखाने के टाइम पे आपको स्क्रीन साइड में देखना ही है। ओके सब लोग स्क्रीन पर देखिए, तो ये फिल्म बॉक्स का ऊपर ऐसा फिल्म बॉक्स नहीं रखना चाहिए। ओके इसका वजह से हम लोग को क्या समझ गया, फिल्म फिल्म्स कैसेट्स, फिल्म्स हम लोग निकाल के हम लोग फिल्म्स कटिंग करके कैसेट में भी हम लोग लोड करता ही है। ओके कैसेट में लोड करता है, कैसेट लोड करेगा तो कैसेट कैसा रखना चाहिए, सेम फिल्म बॉक्स जैसा है, कैसेट भी हम लोग साइट में लेके जाएगा तो सपोज तुम 10 फिल्म्स चाहिए साइट में, एग्जांपल 10 फिल्म है तो हमेशा तुम 2 फिल्म एक्स्ट्रा ही लेके जाता है, वो अलग बात है। सपोज तुम 12 फिल्म लेके जा रहे हैं, 12 फिल्म्स लेके जाएगा तो एक फर्स्ट फिल्म देखिए, सेकंड फिल्म, थर्ड फिल्म, फोर्थ फिल्म, सिक्स्थ फिल्म, ऐसा नहीं रखना चाहिए। ये फिल्म फिल्म्स भी क्योंकि लोड का वजह से फिल्म अंदर लेड स्क्रीन को प्रेस हो जाता है, अगर लेड स्क्रीन में कुछ मिट्टी है, कुछ पत्थर है, ये फिल्म को प्रेस होके लाइंस आने के लिए, स्क्रैचेस फिल्म में आने के लिए चांसेस रहता है। अगर वो स्क्रैचेस आ गया तो डेवलपिंग के बाद फिल्म क्यों क्वालिटी, अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी पर्सन रहेगा तो, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वाला रहेगा तो आपका फिल्म रिजेक्ट होने के लिए चांसेस रहता है। तो क्या कैसा हम लोग संभाल के रखना है सर, ये जो फिल्म है, ये कैसेट है, ये दूसरा कैसेट, तीसरा कैसेट, 4x6x7 ऐसा पूरा कैसेट्स को आप लोग ऐसा टेप मार के आप लोग ऐसा ही लेके जाने का। ओके ये फिल्म्स कभी भी आप लोग ऐसा नहीं रखना चाहिए, ऐसा लेके जाने का। ओके मां समझ गया। अभी हमारे पास जो फिल्म बॉक्स आया उसको हम लोग कैसे यूज करना है, फिल्म बॉक्स ओपन अंडर सूटेबल सेफ लाइट, सेफ लाइट, सेफ लाइट का मतलब है जीरो वोल्टेज लाइट, जिसमें हम लोग का रेडिएशन नहीं निकलता है उसी को बोलता है सेफ लाइट, इल्यूमिनेटेड। ओके इल्यूमिनेशन, तो हम लोग एग्जांपल नाइट में हम लोग सोने के टाइम पे एक एक छोटा सा बेड बल्ब हम लोग लगाता है, ये जीरो वोल्टेज लाइट है। ओके माँ सो पूरा डार्क है हम लोग देखिए, कभी कभी हम लोग एक नया मूवी ओपन हो गया, एग्जांपल एक नया मूवी रिलीज हो गया, हम सब लोग टिकट्स बुक करके एक कार में मूवी को देखने के लिए चला रहे जा रहे, बीच में ट्रैफिक जाम हो गया, हम लोग जाते 5 मिनट लेट हो गया, हम लोग आया नहीं बोल के मूवी वो शुरू नहीं करता है ना, उनका टाइम का वजह से वो लोग शुरू करेगा। जब हम लोग एंटर हो गया मूवी थिएटर में, मूवी बिगिन हो गया, जब हम लोग एंटर हो गया, होने के टाइम पे हम लोग को बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहे क्योंकि पूरा एकदम डार्कनेस। ओके एकदम डार्कनेस है क्योंकि हम लोग डार्क रूम में एंटर हो गया, वो तो मतलब डार्क एरिया है, उस टाइम पे हम लोग को कुछ भी नहीं दिखता है। तो उस टाइम पे आप लोग क्या करने का है, आपको हरी भरी अरे मूवी चालू होता है बोल के आपका उसी टाइम पे आपका सीट किधर है ढूंढ के चला जाता है, लेकिन आप लोग को कुछ भी नहीं दिखता है, मोबाइल का लाइट जला के और किसी का सपोर्ट लेके जाता है वो नहीं। आप लोग जब एंटर हो गया, आप लोग 1 मिनट आपका आंख बंद करके, 1 मिनट आंख बंद करके आंख खोल के देखो, जब तक तुमको कुछ भी नहीं दिखता है, 1 मिनट के बाद तुमको आंख खोल के देखेगा तो तुमको एकदम पूरा क्लियर कट सभी लोग दिखेगा, सभी लाइंस दिखेगा। क्योंकि जब हम लोग बाहर से हम लोग आता है, ये पूरा लाइटिंग हमारा आंख में गिरता ही है, हमारा आंख का आधा पूरा लाइटिंग, ऐसा आंख को तुम सडनली कैसे लेके जा रहे, एक डार्क रूम में लेके जा रहे, एक डार्क रूम में लेके जाएगा तो एकदम तुमको लाइटिंग, ये डार्क रूम में जाएगा तो एकदम तुम्हारा आंख वो डार्क रूम में काम करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। सडनली तुम्हारा आंख तुमको डार्क रूम में जाएगा तो तुमको सब कुछ नहीं दिखता है। इसीलिए ये एग्जाम्पल आपको क्यों मैं बोल रहा हूं, फिल्म बॉक्स हम लोग ओपन करना ही है डार्क रूम में। ओके अगर तुम डार्क रूम में ओपन करने का टाइम पे दरवाजा बंद करके लाइट बंद करके हम लोग ये छोटा सा लाइट हम लोग ऑन करता ही है। ओके मां ये छोटा सा लाइट हम लोग आपको दिखाता है डार्क रूम में लाइट कैसा रहता है, उसके एक रेड कलर कवर भी रहता है, हम लोग क्या करता है फिल्म कटिंग करने के लिए पूरा बंद करके लाइट बंद कर देता है डार्क रूम में।
आपको डेवलपिंग किया ना डार्क रूम में, हमारा ऑफिस का डार्क रूम में डेवलपिंग किया ना, वो डार्क रूम कैसा है तुरंत आप लोग का बंद करने से कुछ भी आपको दिखता नहीं है, थोड़ी देर के बाद सब कुछ दिखता है, राइट क्लियर। तो आप लोग का ऐसा इतना लेट होना नहीं चाहिए, एट द बिगिनिंग स्टार्टिंग जीरो सेकंड्स आपको सब कुछ दिखना चाहिए। तो टेक्निक क्या है, आप लाइट बंद करने के पहले आप लोग आंख ऐसा बंद करो, आंख बंद करके एक मिनट के बाद तुम लाइट ऑफ करो, ऑफ करके तुम डार्कनेस हो जाता है पूरा, तुम खोल के देखो। लेकिन नहीं है तो तुम लाइट ऑफ करके आंख भी बंद करो, एक मिनट के बाद तुम आंख खोल के देखो, सब कुछ तुमको हर आइटम डार्क रूम में, लेट स्क्रीन किधर है, फिल्म किधर है, डेवलपर किधर है, फिक्सर किधर है, वाटर किधर है, टैप किधर है, लाइट किधर है, सब कुछ तुमको क्लियर कट दिखेगा आपको। आप एक बार ट्राई भी कर सकते हैं नाइट सोने के टाइम पे, हम लोग डार्क हमारा जो बेडरूम में आपको हर आइटम आपको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये बेस्ट टेक्निक है आप लोग डार्क रूम में। क्यों मैंने ये बता रहा हूँ, डार्क रूम में आपको बहुत सारा गलत होने के लिए चांसेस रहता है। आपको चार टैंक्स रहता है, डेवलपर, वाटर, फिक्सर, वाटर। आप लोग यहां से चालू करेगा तो फर्स्ट टैंक आपको डेवलपर है, इसके बाद वाटर, इसके बाद फिक्सर, इसके बाद वाटर। अगर गलती से एक नया आदमी आ गया, उसका डेवलपर किधर है, वाटर किधर है, लाइट बंद करने के बाद मालूम नहीं पड़ता है, वो फिल्म पूरा निकाल के फिल्म में रखने के बाद डेवलपर में जो रखना ही है पूरा फिल्म, अगर गलती से इस तरफ से चालू करेगा तो वो किस में डालेगा, पानी में डालेगा। पानी में डालेगा तो पूरा फिल्म आपको खराब हो जाता है। एक फिल्म खराब हो गया तो भी आपको साइट में, जहां पे आपको ओरिजिनल साइट में आपको पूरा रेडियोग्राफी मारा है, वहां पे जाके रेडियोग्राफी करना ही पड़ता ही है। तो एक फिल्म या गलत होगा तो भी, 10 फिल्म गलत होगा तो भी, आपका ऊपर भारी एफर्ट पड़ेगा, क्लाइंट को टाइम टू टाइम फिल्म भेजना पड़ेगा। आपको ये प्रॉब्लम अभी पता नहीं चलता जब मैं बोलने का टाइम पे, आप लोग को एक फिल्म के लिए क्या वो 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आगे साइट है, इसके लिए आप लोग गाड़ी चाहिए, इसके लिए मेन आपको परमिशन चाहिए, क्योंकि आपके लिए एक परमिशन दिया है। आप एक घंटा काम करो या 10 घंटा काम करो, तो काम तो आपको परमिशन देना चाहिए, तो वहां पे आपको काम रोकना पड़ता है। आप लोग रेडियोग्राफी का काम देना चाहिए तो वहां पे पब्लिक काम करना नहीं चाहिए, बराबर। तो काम नहीं करना चाहिए तो क्या होता है, वहां पे आप लोग को रेडियोग्राफी का परमिशन देना है, तो बाकी लोग का काम बंद करना है। वो वहां पे बाकी लोग को काम है, उसके लिए सैलरीज, वेजेस, लाखों का काम हो सकता है, वो करोड़ों का काम हो सकता है, वो आपका वजह से वो काम बंद है। इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर मतलब आपका कंपनी का मालिक में सीरियस भी हो सकता है, ये छोटा सा रीजन का वजह से। अगर वहां से कोई कंस्ट्रक्शन फील्ड है, नाइट टाइम का जॉब है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग नाइट टाइम भी काम हम लोग कर सकते हैं। ओके, जो सिचुएशन के हिसाब से हम लोग टाइम मैनेजमेंट का हम लोग यूज करके काम करना चाहिए। यहाँ पे देखिए ना, फिल्म बॉक्स ओपन, ये कीप रिमेम्बर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से हम लोग फिल्म बॉक्स लाइटिंग में ओपन कर दिया, सर वो ऐसे मुझे मालूम नहीं है, सर आप माफ कीजिए, सर ऐसा बोल के कंपनी छोड़ेगा नहीं, आपका सैलरी में, पगार में कट करेगा। ये बेसिक पॉइंट है, फिल्म बॉक्स ओपन अंडर सुटेबल सेफ लाइट, द कॉल्ड डार्क रूम। एंड और एक पॉइंट है, फिल्म बॉक्स स्टोर इन कूल प्लेस। ये फिल्म बॉक्स हम लोग स्टोरेज करता है ना, वो स्टोरेज कहाँ पे करता है, ये डार्क रूम में, 99% डार्क रूम में स्टोरेज करता है। हमारे पास आने के बाद डार्क रूम में कंपलसरी एसी होना चाहिए, अगर एसी पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है, एटलीस्ट कूलर होना चाहिए, क्योंकि बाहर का ह्यूमिडिटी मतलब समर का वजह से नाइट टाइम और समर ज्यादा कम होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग और नाइट शाम का टाइम पे एक घंटा दो घंटा ऑन करेगा तो बस सुबह आप लोग ओपन कर सकते हैं। कंटिन्यू एसी रहने के लिए जरूरत नहीं है, रूम ठंडा होना चाहिए। रूम ठंडा होने के लिए हम लोग एक घंटा दो घंटा ऑन करके, लेकिन नहीं है तो आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट रूम ठंडा होने के बाद ऑफ करके एक घंटा रिलीफ करके और एक आधा घंटा यूज कर सकते हैं, लेकिन रूम ठंडा होना चाहिए। मेरा पॉइंट यही है कि एसी होना चाहिए बोलेगा तो 24 घंटा एसी ऑन करके रखेगा तो, कूलर ऑन करके रखेगा तो ये बिल बहुत आ जाता है। ओके, सो कंपनी आपको, सर मैंने फिल्म बॉक्स के लिए एसी रखा है बोलेगा तो तुम्हारे लिए एसी रखा है, फिल्म बॉक्स के लिए एसी रखा है, कंपनी का मालूम पड़ता है। ओके,
ठीक है, अभी हमारा जो लिंक है, अभी 10 मिनट में आपको स्क्रीन में एक मैसेज बॉक्स आया, आपको दिख रहा है ये मैसेज बॉक्स रनिंग आउट ऑफ टाइम बोल के, नहीं दिख रहा है ना? ओके, तो अभी 10 मिनट में अभी अभी बंद रोकने वाला है, तो 10 मिनट के बाद हम लोग दोबारा लिंक चालू करेंगे। ओके जय प्रकाश, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस, टाइम टू टाइम आना चाहिए। ओके 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 ओके, फिल्म बॉक्स हम लोग कंपलसरी डार्क रूम में ही ओपन करना चाहिए। ये फिल्म बॉक्स स्टोर करने के लिए हम लोग का कंपलसरी एसी होना चाहिए, लेकिन नए है तो हम लोग का कंपलसरी कूलर तो होना चाहिए, किसके लिए? रूम ठंडा होने के लिए। ओके मां, नेक्स्ट ड्राई प्लेस, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ड्राई प्लेस प्रॉपरली शील्ड फ्रॉम द एक्सरेस, गामा रेस, अदर पेनेट्रेटिंग रेडिएशंस। So, आपको पता है कि हम लोग का रेडिएशन, हम लोग क्या बात किया, रेडिएशन बोलेगा तो एक्सरे और गामा रे, और इसके अलावा और कुछ रेडिएशन है, आपको कुछ पता है इसके अलावा और कुछ रेडिएशन है? यस, इसके अलावा और भी कुछ रेडिएशन है। आपको अल्फा रेडिएशन कभी सुना है? रेडिएशन में ये रेडिएशन में हेवी रेडिएशन है, थोड़ा बहुत डेंजरस रेडिएशन है। इसके बाद बीटा रेडिएशन आप कभी सुना होगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि अदर पेनेट्रेटिंग रेडिएशंस। ये क्यों हम लोग यूज किया है कि जहां पे हम लोग फिल्म बॉक्स रखता है, मतलब डार्क रूम में, तुम्हारा ऑफिस में डार्क रूम में रखो, लेकिन नहीं है तो तुमको एक साइट में काम मिला, एक गवर्नमेंट साइट में या प्राइवेट साइट में काम मिलेगा, तो वो लोग तुमको डार्क रूम सेटअप करने के लिए एक रूम देगा, वहां पे हम लोग डार्क रूम सेटअप करेंगे, वहां पे हम लोग फिल्म बॉक्स रखेंगे साइट में। बड़ा कंपनी वाला क्या करता है मालूम है? वहां पे रेडियोग्राफी कंपनीज, हमारा जैसे रेडियोग्राफी कंपनी चार कंपनी या तीन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देता ही है, सभी एरिया में एक ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है मालूम है? सपोज हम लोग बराबर काम नहीं करेगा तो, बराबर प्रोडक्शन नहीं देगा तो, वो तीन कंपनी में प्रोडक्शन कौन देगा? तो काम उसको टर्मिनेट करने के लिए एक फर्स्ट रीजन है। द सेकेंड रीजन है, एक ही कंपनी को पूरा काम देगा तो काम लोड प्रोडक्शन कम होता है, अलग अलग कंपनी को देगा तो कंपटीशन, वो कंपटीशन का वजह से ये कंपनी ये काम करता है 25%, दूसरा कंपनी दूसरा 25%, तीसरा कंपनी, ऐसा चार पांच कंपनी को देगा तो सभी एक आधा आधा काम डिवाइड करके 100% आउटपुट देता ही है। ओके, ये एक रीजन है। सो और क्या है? सो तीन चार कंपनी को देता है। तुमको एक डार्क रूम दिया हुआ है, देखिए कंपनी का हालत कैसा रहता है, सब कंपनीज का पिट रूम एक ही जगह पे देता ही है। सपोज नंबर वन कंपनी, नंबर टू, नंबर फोर कंपनी, लेकिन नहीं तो एक ही कंपनी पिट रूम सभी को दे सकता है, कैमरास चेंज भी हो सकता है, लेकिन नहीं तो चार पिट रूम्स दिया, चार कंपनीज रखा है, चार पिट रूम साथ में हो सकता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चार डार्क रूम्स एक साथ में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंपनी वन कैमरा का अंदर फिल्म बॉक्स रखा है, ओके, कंपनी टू क्या, कंपनी वाला क्या किया, काम होने के बाद वो लोग कैमरा डायरेक्ट पिट रूम के पास लाके आके रखा है, एग्जांपल, ओके, लाके आके रखा है, वो काम हो गया, उसको पिट रूम में जाने तक उसका टाइम नहीं है, लेकिन वो आधा घंटे में दोबारा साइट में जाने वाला है, वो पिट रूम के पास जाके कौन आएगा बोल के वो लोग क्या करेगा, कैमरा लाके पिट रूम के डार्क रूम के पास रख सकता होगा। कभी कभी ऐसे छोटा चीज होता ही है, मालूम है उन लोगों का, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का वजह से रखता है। वहां पे कैमरा का अंदर कुछ लीकेज रेडिएशन हो सकता है ना, वो लीकेज रेडिएशन को उस टाइम पे यहाँ पे फिल्म अनएक्सपोज होने के लिए चांसेस रहता है। ओके, इसीलिए हमारा जो कैमरा ठीक से रहेगा तो नहीं चलता है, आजू बाजू में भी कोई भी या अदर पेनेट्रेटिंग रेडिएशन, एक्सरे हो सकता है, गामा रे हो सकता है, कोई भी रेडिएशन आजू बाजू में होना नहीं चाहिए। ओके, ये पॉइंट का और एक मीनिंग है, ये एक मीनिंग है, और एक मीनिंग मैं बताता हूँ। सपोज हम लोग साइट से, मतलब डार्क रूम में फिल्म लोडिंग करके हम लोग साइट में जा रहे, डार्क रूम हमारा ऑफिस का डार्क रूम है, एग्जांपल, सपोज एग्जांपल हमारा ऑफिस में डार्क रूम है, हम लोग जितना 10 फिल्म चाहिए 10 फिल्म हम लोग कैसेट में लोड करके एक एज टू कॉर्नर का प्रोसेस में हम लोग फिल्म स्टोरेज करके, सपोज एग्जाम्पल हमारा जो बाजू में एक कंपनी है ना, BHPV कंपनी, सपोज BHPV कंपनी में हमको काम आया, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। सो वहां पे जाने का टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, कैमरा गाड़ी में रखेंगे, फिल्म्स भी गाड़ी भी रखेंगे, बराबर। सो कैमरा कभी भी आप लोग पीछे साइड में रखता ही है,
जो फिल्म्स कभी भी आप लोग कैमरा का पास में नहीं रखना चाहिए, कैमरा का पास में, क्योंकि कैमरा में लीकेज रेडिएशन होता ही है। फिल्म से तुम कैमरा का पास रखेगा तो ये लीकेज रेडिएशन की वजह से फिल्म अनएक्सपोज होने के लिए चांसेस, सॉरी एक्सपोज होने के लिए चांसेस रहता है। ओके मां, तो इसीलिए फिल्म्स आगे ड्राइवर के पास है, लेकिन आगे स्टीयरिंग के पास एक हम लोग का स्टोर कुछ सामान रखने के लिए जगह रहता है, डेस्क स्टीयरिंग का जो सेटअप एरिया में, वहां पे भी आप लोग रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फिल्म का बारे में हम लोग कम से कम 15 मिनट बात किया, 15 मिनट का ऊपर ही हम लोग बात किया काली फिल्म्स का बारे में, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है फिल्म्स। हम लोग उसको पकड़ने का टाइम पे भी, सपोज ये फिल्म है, ये फिल्म को मैंने मोबाइल को कैसा पकड़ा है एग्जाम्पल देखिए, ऐसा नहीं पकड़ना चाहिए, ऐसा नहीं पकड़ना चाहिए। और हमारा जो उंगली का जो नाखून है, ये नाखून भी फिल्म को टच होना नहीं चाहिए, फिल्म में स्क्रैचेस आ जाता है। फिल्म एकदम सेंसिटिव बोलेगा तो क्या है, फिल्म में कुछ भी हमारा जो फिंगर प्रिंट्स फिल्म में आना नहीं चाहिए। सपोज हमारा फिंगर प्रिंट्स तुम ऐसा पकड़ेगा, मेरा जो ये थंब फिंगर का देखिए प्रिंट है, वो स्क्रीन में आ जाता है क्लियर कट। आपको डेवलपिंग करने के बाद हमारा जो फिंगर प्रिंट्स फिल्म में आ जाता है, ये फिल्म रिजेक्टेड है बिकॉज ऑफ केयरलेस। जो डार्क रूम टेक्नीशियन है, केयरलेस का वजह से, ये टेक्नीशियन का डिफेक्ट है, इसी को बोलता है। आपको डिफेक्ट्स 3 टाइप का डिफेक्ट्स हम लोग डार्क रूम में बताते हैं। ये फिल्म मार्क एक है, फिल्म मार्क डेवलपिंग जो आदमी करता है इसको फिल्म मार्क बोलता है। फिल्म टेक्नीशियन का गलत है, क्योंकि केमिकल बराबर मिक्सिंग नहीं करता है, शेक नहीं करता है, फिल्म को डायरेक्ट वहां पर एक मार्क जैसा आ जाता है, हैंगर बराबर क्लीन नहीं करता है, ये टेक्नीशियन का गलत है, डार्क रूम टेक्नीशियन का। लेकिन रेडियोग्राफर का टेक्नीशियन का गलत नहीं है, एक वेल्डिंग का गलत नहीं है, गलत आपको डार्क रूम टेक्नीशियन का गलत रहता है, रेडियोग्राफर का टेक्नीशियन गलत रहता है, वेल्डिंग का गलत रहता है। ओके, वेल्डिंग का गलत रहेगा तो आप लोगों के लिए वेल्डर रिपेयर, ऐसा वेल्डिंग रिपेयर बोल के आपको बोलता है कि रीशूट, रीटेक, फिल्म मार्क, ऐसा बोल के आप लोग का 3 टाइप का डिफेक्ट आपको क्वालिटी डिपार्टमेंट वाला क्यूसी इंस्पेक्टर, वहां पे वेल्डिंग इंस्पेक्टर हो या आरएसओ हो, आप लोग को रिमार्क लिख के देता है, वो फिल्म को हम लोग अटेम्प्ट करना ही है, फिर डायरेक्ट हम लोग वो गलत निकाल के हम लोग सही फिल्म को एक्सपोज करके हम लोग सेट में अटैच करके क्वालिटी डिपार्टमेंट को दोबारा सबमिट करना है। हम लोग जितना फिल्म्स मार्केट में यूज करता ही है, सपोज हम लोग देखो कहीं पे भी हम लोग मिलके सब मिलके एक अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस में या बीच में जा रहे एग्जांपल, सो वहां से हम लोग कैसा फिल्म फोटोस निकालता है रिमेम्बर, तो फ्यूचर में हम लोग के लिए एक मेमोरी मेमोरी के लिए। सो हम लोग सोचता है कि कौन सा फिल्म क्वालिटी वाला फिल्म है, अरे तुम कोडैक फिल्म ले लेंगे, पीजी फिल्म ले लेंगे, ऐसा बोल के हम लोग क्वालिटी देखता है ना। इंडस्ट्रियल में भी रेडियोग्राफी का काम करने के लिए बहुत सारा फिल्म मार्केट में अवेलेबिलिटी है, उसमें सबसे ज्यादा फिल्म हम लोग अल्फा फिल्म यूज करते हैं, और कुछ आदमी लोग अच्छा क्लाइंट मिलेगा तो क्वालिटी देखेगा तो कोडैक फिल्म यूज करते हैं मैक्सिमम। ये कोडैक, ये जो फिल्म बॉक्सेस है 10,000 से लेके 12,000, 15,000, 18,000, 24,000, ऐसे कास्ट का वजह से, साइज का वजह से उसका फिल्म बॉक्सेस डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में रहता है हम लोग का। ओके मैम, यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग फिल्म, एक फिल्म बॉक्स, एक फिल्म के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगफा कंपनी, अगफा बोल के एक ब्रांड था। ओके, अगफा बोल के एक ब्रांड है, ये अगफा कंपनी में हम लोग D2 बोलेगा तो एक फिल्म है, मतलब एक फिल्म बॉक्स है, D2 बोल के एक फिल्म है, D4 बोल के एक फिल्म है, D7 बोल के एक फिल्म है। यहाँ पे मैंने आपको D2 का 9.8R, D4 का 4.2R, D7 का 1.4R बोल के दिया है। R पर ये रोंजन, ये 9.8 है। अभी 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में हमारा लाइन एक्सपायर होता है, दोबारा आप लोग लिंक को ओपन करवाइए। ओके मैम, 9.8 ये फिल्म फैक्टर है, इसका शॉर्टकट नेम है FF। हम लोग साइट में रेडियोग्राफी का काम करने का टाइम पे D2 का फिल्म यूज करेगा तो वहां पे फार्मूला में फिल्म फैक्टर बोल का ऑप्शन पूछता है, तो वो एरिया में 9.8 लिखना है। D4 फिल्म यूज करेगा तो 4.2 लिखना है। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज आप नोट करके रखो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाएगा, नोट करके रखो। एक्सपोजर करने का टाइम पे ये फिल्म फैक्टर सबको इम्पोर्टेंट है। ओके मैम, नेक्स्ट D7 फिल्म यूज करेगा तो 1.4 रामजन, ये फिल्म हम लोग यूज करने का। ये स्लाइड में आपको कोई भी डाउट है क्या?